प्रातः क्लास चल रहा था 10 जुलाई 1967। पहले की कीमत में बात चल रही थी, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। परंतु मेरी आत्मा तो वहां पर जा नहीं सकती है, तुम्हारी आत्मा प्योर बन जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा। देह का बांध छूट जाएगा और प्योर शरीर तो यहां इस दुनिया में मिल नहीं सकता। ये पुरानी जूती है, इनसे वैराग आता है। आत्मा को प्योर बना करके फिर हमको भविष्य में प्योर शरीर लेना है। सत्युग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। इस समय हम आत्मा पवित्र बन रही हूं, शरीर पवित्र है। जैसा सोना होता है वैसा जेवर होता है। गवर्नमेंट भी कहती है हल्का सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कमती है। अभी तुम्हारी आत्मा का भाव अथवा वैल्यू बहुत कम है और वहां पर तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। सतो प्रधान आत्मा होती है ना, अभी तो तमो प्रधान है। खाद पड़ी हुई है, अभी कोई काम की नहीं है। वहां पर आत्मा प्योर है तो बहुत वैल्यू है। अभी तो देखो 9 कैरेट रह गया है तो कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि आत्मा को प्योर बनाओ, आत्मा प्योर बनेगी तो शरीर भी प्योर मिलेगा। ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। बाप ही कहते हैं कि मां में कम याद करो, पता कैसे कहेंगे। वो तो देर आ रही है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, मुझे बाप को याद करो, और कोई भी देर आई को याद नहीं करो।